Mr. Ashok Kumar. Sir, this is the main site where the entire outburst of glacier happened. Can you please explain to our viewers what exactly happened, how exactly happened? It's a natural phenomenon in which a glacier, broke. And along with the glacier came the boulders and the slush and the heavy floods, kind of. Can you take us to the main protest site, site where this entire glacier broke down? And kitna nuksan hua hai, kya hua hai? You can see in front of the police, wo pura bridge reh gaya hai. Ek minute ko dusre minute ko connect karta hai. Ye niche dhati ko jodta hai. Hamare China border tak 13 gaon hai iske aage. तो वो पूरा का पूरा ये इससे कनेक्शन इस ब्रिज से था, तो वो कनेक्शन कट गया, क्योंकि आगे डैमेज कोई नहीं। यहाँ जो एक साथ जो बोल्डर्स आया, जो पूरा एवलांच आया, जो पूरा ग्लेशियर आया, पूरा मलबा आया, उसने पूरे ब्रिज को भाग दिया। आप देख सकते हैं साइड पर पूरा और पूरा पावर प्रोजेक्ट भी भाग गया यहाँ का। यहाँ से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है, प्राइवेट कंपनी का, उसमें से करीब करीब पहले तो 32 मिसिंग बता रहे थे, अब इन्होंने जो चैट किया है कि इसकी सब्सिडरी कंपनी के भी लोग थे, तो 46 मिसिंग हो गए और 5 यहाँ के गांव के लोग किसी के पास जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को डैमेज का आंकड़ा 85-51 पे जा रहा है। और जो आगे है तपोवन डाउन स्ट्रीम में, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में बड़ा प्रोजेक्ट था NTPC का, उसमें धौली गंगा भी आके मिल जाती है। ये दोनों आगे विष्णु प्रयाग में अलकनंदा जी में मिल जाते हैं, जो गंगा जी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटरी है। तो ये तपोवन पावर प्रोजेक्ट में पूरा नहीं बहा है, डैमेज है, आधा डैमेज, एक बराज डैमेज हुआ है। हाँ, उनकी दो टनल थी, छोटी टनल से कल रेस्क्यू हो गया, 12 लोग वहाँ से रेस्क्यू हुए, कुछ लोग मिसिंग थे, 13 लोग वो शाम तक रिपोर्ट किए, टोटल 25 का जो पहले जिसको फेयर डेड हो रहा था वो सब मिल गया। अब जो दूसरी टनल है उसमें संभावित नंबर 30 के आसपास है जो ट्रैप है, 35-37 बताया जा रहा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। कई बार इन लोगों के पास खुद आंकड़े करेक्ट किए हैं, बार बार इनसे बात करें, मतलब 25-35 के बीच इसमें लोग हो सकते हैं। आप हमारे व्यूअर्स को अभी तक का एक अपडेट दे सकते हैं कि कितने लोग टोटल फियर्ड या ट्रैप्ड हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस कंपनी वहाँ तपोवन में जितने लोग काम कर रहे थे, मेन कंपनी के 121 लोग और सब्सिडरीज के भी 24 लोग, इन्होंने बाद में आ गए, शुरू में हमें 121 ही था, तो वो मिला करके अब वहाँ का 145 के करीब का आंकड़ा हो रहा है। जो वहाँ से मिसिंग है उन्हीं में से कुछ लोग ट्रैप्ड हैं 25-35 के बीच, और इन्हीं टोटल मिसिंग तो 200 के आसपास पहुँच गया, उसमें टोटल 200 के आसपास मिसिंग हुए अभी तक हमारे, सब मिला लिया, अभी कोई नया एड नहीं होगा। उनमें से 11 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, 3 तपोवन से हुई, 8 डाउन स्ट्रीम से हुई हैं रुद्रप्रयाग तक। तो हमारी टीमें श्रीनगर से लेकर के तपोवन तक फैली हुई है, उत्तराखंड पुलिस और SDRF की, जो हमको सर्च कर रही है कोई और बॉडीज हो। फिर ये बड़ा जो टनल खुलेगा इसके मलबे से पता चलेगा, अगर ये जरूर है अगर इसमें शुरू के में दब गए होंगे मलबे में तो बचना मुश्किल है, किंतु बचे होंगे तो बचे ही रहेंगे आगे। सर, यहाँ के कोई लोकल आई विटनेसेस जिन्होंने आपको अकाउंट पूरा बताया हो? काफ़ी कई लोगों से बात हो रही है, आई विटनेस तो सबसे बढ़िया तो वीडियो ही आया, उसमें जिक्र भी जो आपदा की जो उसको दिखाया है कि किस रूप में आपदा आई है। तो ये हमारा ये बता दें, दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा फ्रॉम टाइम दैट, वन इज़ दैट देर इज नो हेली रेस्क्यू लेफ्ट एज ऑफ नाउ। सेकेंडली, द रेस्क्यू इज, इफ रेस्क्यू इज कॉल्ड, इट इज ओनली इन द टनल, रेस्ट ऑल अदर रेस्ट प्लेसेज इट इज ओनली इधर सर्च फॉर डेड बॉडीज और मिसिंग पर्सन और रिलीफ वर्क, रिलीफ वर्क फॉर द एरिया चर कट ऑफ। Now the major damage control has been done. The worst is over. Yeah, it was a one-time calamity. एक हादसा जो एक बार हो जाता है, उसका जो downstream impact possible था, वो कल control हो गया. Because up to 2 PM the Srinagar dam said that we are able to absorb the incident, and downstream there is no impact. We are sending controlled water downstream. So that is the kind of reaction that we are getting from the DGP of Uttarakhand, Ashok Kumar, who